और पहले ही बोल दूँ, ये रिटायरिंग रूम का प्राइस लिया है 808 रुपये, मतलब 808 रुपीज़। दो बेड को एक साथ में जोड़ा गया है। देखिए बेड लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो कपड़ा दिया है, ये कपड़ा भी एकदम धोया हुआ कपड़ा, चादर दिया है, वहाँ पे दो बालिश है। और ये दो अलग अलग बाथरूम है। वाशरूम जो है वो अलग अलग है, मतलब ये है आपका नहाने का, और इधर है आपका भी। देखिए रूम बड़ा है इसलिए दो दो फैन है, ये रहा एक, ये रहा दूसरा। पूरा क्लीन रूम है, मतलब अंदर घुसते ही आप, ये नहाने का जो वाशरूम है वो बहुत बड़ा है। अब खाना लेने जा रहा हूँ आगे, 7 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ। देखिए ये जो राइस है बहुत ही टेस्टी है, एकदम जो गोविंद भोग चावल होता है वैसा वाला, मतलब चावल का राइस है। तो इस साइड में है आपका समुद्र, ये आपका बॉयल किया हुआ भुट्टा है, देखिए उसके अंदर रख के। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का रिटायरिंग रूम के अंदर। और पहले ही बोल दूँ, ये रिटायरिंग रूम का प्राइस लिया है 808 रुपये, मतलब 808 रुपीज़, सब कुछ मिला के, GST सब कुछ मिला के। और ये रिटायरिंग रूम बहुत अच्छा है 800 रुपये के हिसाब से, एकदम पूरा साफ़ सुथरा, पूरा क्लीन। तो ये रहा आपका दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, दरवाजे के इधर है आपका टेबल एक, ये है आलमारी, और उसके बाद ये देखिए बेड, दो बेड को एक साथ में जोड़ा गया है। देखिए बेड लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो कपड़ा दिया है, ये कपड़ा भी एकदम धोया हुआ कपड़ा, चादर दिया है, वहाँ पे दो बालिश है। और इस तरफ है आपका मिरर, यहाँ पे एक चेयर है, यहाँ पे एक आपका ड्रेसिंग टेबल इस तरफ। और ये दो अलग अलग बाथरूम है, मतलब है आपका वाशरूम जो है वो अलग अलग है, मतलब ये है आपका नहाने का, और इधर है आपका टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए, इधर मतलब नहाने का और आपका जो टॉयलेट करने का है वो दोनों ही अलग अलग है। और है आपका एसी है, और फैन भी, देखिए रूम बड़ा है इसलिए दो दो फैन है, एक वन, ये रहा एक, ये रहा दूसरा। और स्विच बोर्ड वगैरह थोड़ा पुराना है, तो कुछ इस टाइप का रूम है। और रूम देखिए पूरा क्लीन रूम है, मतलब अंदर घुसते ही आपका जो एक फ्रेशनेस आता है ना वो आ रहा था, मतलब। और यहाँ पे एक डस्टबिन भी दिया हुआ है, ये देखिए, तो कुछ इस टाइप का है, यहाँ से ऐसा दिखाई देता है। तो रूम जो है ना बहुत बड़ा रूम है, बहुत ही बड़ा रूम, बहुत ही अच्छा रूम, मतलब ऐसे रेलवे स्टेशन का रिटायरिंग रूम होता है, इतना अच्छा रूम कम प्राइस में मैंने नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ। और ख़ास करके ये बेड एकदम पूरा क्लीन है, देखिए। तो इस साइड से रूम कुछ इस टाइप का दिखता है, देखिए। और आपका इस साइड से अगर मैं दिखाऊंगा आपको रूम, तो कुछ इस टाइप का दिखता है, बेड ये रहा। तो सचमुच में 800 रुपये में ये रिटायरिंग रूम बहुत अच्छा लगा। इंटीरियर पुराना है, बट जो साफ सफाई है वो फुल साफ सफाई है, एकदम अच्छा से साफ सफाई है, अच्छा स्मेल आ रहा है। आप, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो दो वाशरूम है इसके अंदर में दिखाता हूँ कि वाशरूम कैसा है। दो वाशरूम, एक है नहाने का, एक है आपका टॉयलेट का। तो ये है आपका टॉयलेट वाला वाशरूम, यहाँ पे है आपका हाईकोमोड, हाईकोमोड एकदम साफ है। और यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे आपका बम शावर है, बहुत छोटा सा है बस टॉयलेट करने के लिए। अब इधर है आपका नहाने का, देखिए ये नहाने का जो वाशरूम है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे बेसिन है, ये रहा आपका आईना, उसके बाद यहाँ पे गीजर है, शावर है, बल्टी रखा हुआ है, मॉग है। तो ये नहाने का जो वाशरूम है, देखिए बहुत बड़ा वाशरूम है, देखिए अच्छा खासा बड़ा है, और एकदम साफ साफ सुथरा है, और कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं है, पूरा साफ सुथरा है आपका ये वाला वाशरूम। तो टोटल जो आपका ये रिटायरिंग रूम है जो मुझे दिखाई दिया, बहुत अच्छा है, एकदम साफ सुथरा है, 800 रुपये में। मैं तो कहूँगा 100% रिकमेंडेड है कि आप लोग अगर नेक्स्ट डे अगर कोई ट्रेन रहा, जैसे कि मैं कल पुडुचेरी जाऊँगा इग्मोर से, इसलिए मैं ये रिटायरिंग रूम बुक किया था, तो ऐसा कुछ रहा तो आप आराम से सेंट्रल चेन्नई का जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वहाँ का रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। तो इसका प्राइस लिया है 808 रुपीज़, GST वगैरह सब कुछ मिला के इसका प्राइस है।
और ये जो रूम नंबर है, मतलब यहाँ पे दो तीन रूम है एसी रूम, तो मैं जो बुक किया हूँ मेरा रूम नंबर है रूम नंबर 5 एसी वाला। तो ये रहा हम मेरा रूम, ये इस साइड पे था मेरा रूम। रूम बहुत अच्छा है, ये था रिटायरिंग रूम का पार्ट। और ये रहा लिफ्ट, तो ये रहा आपका लिफ्ट, इधर जाके इस साइड जाना, तो उसी साइड में है मेरा रिटायरिंग रूम। तो ये रहा आपका एग्जीक्यूटिव लाउंज टाइप का है। आप खाना लेने जा रहा हूँ आगे 7 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ। तो पिछले बार जब आया था ये जो स्टार्ट बिरयानी है यहाँ से खाया था, इस बार भी देखता हूँ। तो इस बिरयानी की दुकान से मैं लिया आपका चिकन बिरयानी और एक मटन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी का दाम लिया था आपका 340 और मटन का दाम लिया 340, चिकन का दाम लिया 240। तो यहाँ से आप ले रहा हूँ थोड़ा सा मीठा। तो यहाँ पे आपका मिठाई लिया, यहाँ पे है ग्राम हिसाब से, मतलब पर पीस नहीं देगा, केजी हिसाब से, तो 100 ग्राम जैसा लेना पड़ा। ये है आपका एग्जीक्यूटिव लाउंज, यहाँ पे है 179 स्टार्टिंग। तो ये है आपका चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का अंदर, कुछ हद तक हावड़ा की तरह ही दिखता है। तो ये रहा मेरा रूम, रूम नंबर 5। और यहाँ पे भयंकर गर्मी है, पूरा पसीना पसीना हो गया। तो रूम में पहुँच चुका हूँ, आप थोड़ा खावा के, या तो अभी नहाऊंगा या बाद में आके नहाऊंगा, देखूंगा, उसके बाद खावा के निकलूँगा बीच की तरफ जो मैरीन ड्राइव है। आपका मैं लाया हूँ मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी और कुछ मिठाई, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मटन बिरयानी, ये है चिकन बिरयानी, दोनों सेम ही है, सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पे मटन रहेगा, वहाँ पे चिकन रहेगा। और ये देखिए, ये वाला है मिठाई जो ग्राम के हिसाब से है, मतलब केजी या ग्राम के हिसाब से बोल सकते। तो ये जो बिरयानी है, बिरयानी का ये जो राइस है आपका, देखिए ये जो राइस है बहुत ही टेस्टी है, कितना छोटा छोटा, एकदम जो गोविंद भोग चावल होता है वैसा वाला, मतलब चावल का राइस है। और बिरयानी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, और मटन का पीस 1-2 अच्छा खासा है, और भी है शायद। सबसे अच्छा है मटन हो चाहे ना हो, ये जो चावल का टेस्ट है ना बहुत अच्छा है। और मटन का पीस देखिए, पूरा सॉफ्ट मटन का पीस है, ये देखिए। और ये है आपका चिकन, चिकन का पीस भी अच्छा ही है। मटन का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल इस बिरयानी का, चाहे चिकन और मटन और टेस्ट अगर बोलूँ, एकदम एक नंबर, 100% रिकमेंडेड बोल सकता हूँ मैं, मज़ा आ गया खा के। तो अभी टाइम है मिठाई खाने का, तो पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ। पूरा घी में भाजा हुआ है ये स्वर भाजा, तो अभी ये संदेश जो है इसको ट्राई करता हूँ। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:00 और मैं अभी फिर से थोड़ा रेडी हो चुका, फ्रेश होके, मतलब फ्रेश मतलब अच्छे से सोया 1-2 घंटा, उसके बाद अभी जाऊंगा मरीन ड्राइव में। तो अभी मैं बैठा हूँ टोटो में बैठा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ मरीन ड्राइव में। तो स्टेशन से मांग रहा है 200 रुपये, आप 200 रुपये दे के जाता हूँ, आते समय देखूँगा कि सही फेयर कितना है। तो अभी आया हूँ एक बीच के पास में, एक मेमोरियल बोल के कुछ जगह है वहाँ पे। तो फुल वाइट कलर का हर चीज़ बना हुआ है। तो
वो सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये था आपका एम करुणा निधि का एक मेमोरियल, तो कुछ इस टाइप का है आपका, बहुत सुंदर जगह है। तो इस साइड में है आपका समुंदर। तो मैं आ चुका हूँ इसका ठीक पीछे, ये मेमोरियल का आपका पीछे, और उस साइड में दिखाई दे रहा है बीच। तो उधर है बीच, ये दुकान पर दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका एम करुणा निधि का मेमोरियल। तो पता नहीं यहाँ ये भी एक मेमोरियल टाइप का है। अब पैदल चल के जाता हूँ, पता नहीं कितना दूर है, देखता हूँ मरिंदर कब तक पहुँचता हूँ। और पूरा भीड़ है रास्ते में। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मरीना बीच में। और ये देखिए यहाँ पे जाना है उस तरफ। तो अभी रोड छोड़ के आया हूँ ये बालू वाला रास्ते में। तो यहाँ पे आपका मरीना बीच में बहुत हवा है, अच्छा खासा ठंडा ठंडा हवा दे रहा है। और चारों तरफ आप लोगों को दिखाई देगा कि नहीं, चारों तरफ देखिए दुकान, ऐसे खाने पीने का दुकान, चीज़ें बेचने का दुकान, सबसे दुकानों से पूरा भरपूर है। तो बीच जो है पूरा लंबा है, बहुत दूर तक चलना पड़ता है, उसके बाद आता है पानी। देखिए कितना दूर तक है। तो दिन में आने से आप लोगों को और अच्छी तरीके से दिखा सकता था, बट आने के बाद इतना टायर्ड हो गया था और दिन में इतना तेज़ धूप और गर्मी था, इसलिए नहीं आया। तो खाना जो है वो एकदम समुंदर किनारे उस तरफ है, देखिए वो वहाँ पे जाके कुछ खाने पीने का ट्राई कर पाया, तो ट्राई करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा दुकान पाटों से भरपूर है खाने पीने का, तो उस साइड में और भी ज़्यादा है। तो सामने ही है आपका समुंदर उस तरफ, पूरा साउंड आ रहा है हवा का। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मरीना ड्राइव का एकदम समुंदर के किनारे। ये रहा समुंदर, और बहुत उधर से ठंडा ठंडा हवा दे रहा है, आप लोग साउंड सुन ही पा रहे होंगे समुंदर का वेव का। तो पूरा इस तरफ अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई देगा। और आपका इस तरफ है भुट्टा, बाद में देखूंगा, ये रहा, ट्राई करूंगा। तो यहाँ से अब खा रहा हूँ भुट्टा, देखा यहाँ से बॉयल किया हुआ भुट्टा मिलता है, देखिए ये पूरा बॉयल किया हुआ है, तो वो अभी खा रहा हूँ। तो ये जो है आपका, ये आपका बॉयल किया हुआ भुट्टा है, देखिए उसके अंदर रख के बॉयल किया था, तो ये बॉयल किया हुआ भुट्टा है। यूनान में जो आपका भुना हुआ भुट्टा मिलता है वैसा नहीं है, यहाँ पे बॉयल किया करके दिया है, तो ये बॉयल किया हुआ भुट्टा है। अब देखता हूँ खा के, अच्छा टेस्ट है, पूरा रसीला और मीठा मीठा टेस्ट है। तो हल्का नून और आपका मिर्ची है, हल्का हल्का तीखा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसका प्राइस लिया है आपका 40 रुपीज़ बॉयल किया हुआ। तो ठंडा वाला है 30 और गर्म वाला है आपका 40। तो भुट्टा जो था वो बहुत टेस्टी था, भुना हुआ भुट्टा, देखिए वहाँ पे ये वाला यहाँ पे भून के भी देता है, बहुत अच्छा टेस्ट था। जो बॉयल किया हुआ भुट्टा था बहुत स्वीट और मीठा मीठा, एकदम नरम, एकदम लग रहा था एकदम कोची है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब यहाँ से सीधा जाऊँगा अपने रूम में, रूम मतलब चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का रिटायरिंग रूम में। उसके बाद कल सुबह चेन्नई इग्मोर से है ट्रेन पुडुचेरी के लिए। तो आज का वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो ये वाला मतलब चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का रिटायरिंग रूम का जो वीडियो है, ये अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें आगे नया नया वीडियो देखने के लिए। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो पब्लिश करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए गुड नाइट।